अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का, खैर खैरियत से हैं। तो आज का जी दिन जो है हमारा शुरू हो चुका है और बच्चे अभी सो रहे हैं। आज भी जाएंगे हम अब्बू जी से मिलने के लिए। और बस मैं सुबह उठी, मुझे रोहमा के मैसेज आए हुए थे कि अब्बू जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको जो है लेके उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा है। तो बस अल्लाह पाक खैर करें, शुगर उनकी ज़रा आए थी ते बस इन जी तबीयत एकदम ख़राब हो जाती, कई दफ़ा पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखें जी, मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो आज मेरे काफ़ी काम है, पहले अब्बू जी से मिलने जाऊँगी, उसके बाद मैंने फिर कहीं और जाना है। तो जी एयरलाइन वालों के साथ बात हुई है, उनको मैंने कहा कि अगर कल की फ़्लाइट मिलती है तो प्लीज़ कल का मेरा आप कर दें, अगर कल की नहीं तो फिर परसों की कर दें। तो देखें कल या परसों में वो मुझे बताएंगे, अभी उनके साथ बात हुई है, नंबर उनको मैंने अपना दे दिया है। देखें फिर दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर करें। बहरहाल पैकिंग मैंने शुरू कर दी है फ़ाइनल, क्योंकि मैं अपनी तो यहाँ से तैयारी करके रखूँ, जैसे ही जौन सी फ़्लाइट अवेलेबल होगी तो इंशाल्लाह जी बस फिर उसके ऊपर हम आ जाएंगे। और कोशिश पूरी है कि चलें तेल मेहंदी के तो फंक्शन मैंने लगता है निकल ही जाना ने, तो निकाह वाले में शामिल हो जाए। और आज ही सुबह सुबह बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा ज़बरदस्त, देखिए मैंने आपको टेरेस से दिखाया, तुहानू नज़र आ जाएगा कि बारिश होती पई सी, और बड़ा अच्छा लगता है, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही होती है ना मिट्टी की जब बारिश होती है। तो चलूँ जी, चल के देखूँ ज़रा, जाके नाश्ता वगैरह करें। देखूँ देखो बारिश कैसे हुई, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही, फ्रेश मिट्टी की खुशबू आती है ना पाकिस्तान की जब बारिश होती है, बड़ी मज़े की खुशबू आती है। देखो हर चीज़ धुल गया है, मैं बिल्ली के बच्चे को चेक करूँ, मेरे बच्चों को तो इतनी टेंशन थी उसकी कि मामा बिल्ली छोड़ गई है उसको तो वो मर ना जाए। यंग जो कैट होती है ना, अच्छा नहीं नहीं लगी हुई है, अपने बच्चे के साथ ही लगी हुई है। हाँ नहीं, उसको साफ़ कर रही है वो, देखो माँ है ना, है ना, देखो कैसे लगी हुई बच्चे को साफ़ करने, दूध पी रहा है वो देखो, ये होती है माँ। कैसा अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया है, वैसे जानवर हो इंसान हो, देखो ज़रा। चलो जी, मैंने कहा था मैं जाके चेक करूं, बारिश हो रही, हाँ और बिल्ली लगी हुई है अपने बच्चे को, वो साफ़ करने उधर ना जाना, उसको कवर करके बैठी हुई है। हाँ नहीं, वो ठीक रहते हैं, बिल्लियाँ ठीक रहती हैं बारिश में। हाँ देखना ज़ैनब, उसको इधर हो जाओ, वो एकदम से ऐसे हो गई थी मैं गई हूँ तो, उसको भी हाँ उसको ठंड लग रही ना बच्चे। चलो आ जाओ जैनब, आपके वो जो बाया वगैरह जो शॉपिंग की थी ना वो सारी संभाल लें। अच्छा हाँ जो आ जाओ, पाँव साफ कर लेना इधर से, जब ठंडी लावा। दादो सो रही है मुझे लगता है अभी। आपके किधर हैं जैनब, बायास किधर हैं, उनको देख लो, आपका सूटकेस किधर है, ये वाला है, इसमें अभी देखो जगह है तो इसमें डाल लो चीज़ें। मैं ये कपड़े डालूं, दादू ने धो के निकाल दिए मशीन में से। तो यहाँ पे जी हो रही है आज पैकिंग। तो ये पपीता अम्मी ने काट के रखा था फ्रिज में, मुझे कहती हैं कि सुबह सुबह खाया करो, अपना ध्यान रखा करो, मेडिसिन टाइम पे खाया करो, पर कई बार मैं नाश्ता कर दी नहीं ना, मुझे मेडिसिन का याद रहता है, तो बस ये भी याद करवाने के लिए किसी को मेरे साथ होना चाहिए। तो शुक्र है कि यहाँ आके ज़रा मेरी थोड़ी रूटीन बनी हुई है, कार जाके देखो फिर कैसी रूटीन रहती है। तो हम जी आए हुए हैं अरमादा में, अबू जी की तबीयत ख़राब थी रात को, सुबह भी रोमा को फिर उनको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ये कौन सा फ्लोर है अब्दुल्ला? नहीं, थ्री नहीं, हाँ थ्री दबाओ। तो इन बच्चों की दादू और चाचू हम सब आए हैं इधर, हाँ चलो थ्री पे जाएंगे ठीक है ना। तो अबू जी सो रहे हैं, मैंने कहा मैं जाके ऊपर कमरे में उनको देख लूँ फिर। तो बस जी परेशानी बनी है, अल्लाह पाक खैर करें। तो ये है जी रूम, शोर ना करना नाना अबू सो रहे होंगे, ओके अब्दुल्ला उतार दो नाना अबू को ही पसा दी। चलो आ जाओ इत्थे बैठ जाओ, इधर पानी पीना जे, ठहर जाओ पानी दा कहंदी आ ना रोमा, अबू ने पानी पीना है। हां जी नहीं, अब अबू जी 21 है कर दे सही डेट अबू दी,
जहीद ने किया होगा ना तो डेट नहीं ना सही डेट खराब है कोई मैं अबू जी ज़ैनब को कह रहे हैं चल मेरे नाल वापस नाना अबू क्या कह रहे हैं ज़ैनब नाना अबू कह रहे मैं तेन वेखदा पिया वा यहाँ पे बाची है हमारी लाइव टिकटॉक पे उनके 1 मिलियन हो गए हैं तो हम उनकी लाइव चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है लाइव पे लोग डाइव कर कर के आ रहे हैं तिलक तिलक और बहुत बहुत मुबारक हो बाजी पलवेशा को टिकटॉक के 1 मिलियन मुबारक बाजी का 1 मिलियन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अरमादा होटल में भी दब्बू जी तो नहीं जानता प्रोग्राम बाजी लाइव है और मैं बाजी की लाइव सुन रही हूँ टिकटॉक पे और माशाल्लाह बाजी का आज 1 मिलियन हो गया मेरी मुलाकात हुई थी उसे लंदन शादी फतेह के फंक्शन पर अच्छा जी आपके यहाँ का खाना खाने का दिल है हाय 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 मैं तो कहनी हूँ मैं ताड़ी भी ना मरा हाथ मेरे लिए थक गया ना तो खाने का तो बड़ी दूर था मैथे बह जाओ आहो अबू जी को जी ऊपर ले आए हैं कमरे में अब ये देखें तबीयत कुछ बेहतर है अब माशाल्लाह लेट जाओ अबू जी बोलो इधर अबू जैनब को पूछ रहे सुबह तुमने मेरे साथ जाना है अब कह रहे सुबह मेरे साथ जाना है भाई आ जाओ सनसेट मिस हो गया मिस हो गया चलो भाई चाचू आ गए हैं सूरज मिस हो गया सूरज ग्रुप ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਫੇਰ ਕੈਨਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਚੂਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਚੂਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮਿਲੋ ਨਾਨਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾ ਚਾਚੂ ਆ ਗਏ ਨੀਚੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮਿਲੋ ਫਿਰ Your chachu is here. Yes. Yes. Don't look at me like this. Haanji, haanji. Itna de chachu aaye ne le aa rahe. Shabash, shabash. Ghutke jappi daal lo. Zor laga ke heya. Niche aa gaya hai tumhara bhaiya. Chalo, ye pakdo. Ab ye ghutke jappi daal pichha jabna apne pen jappi pa do ke ji phir. Acha. But saab fir aawanga inshallah. इंशाल्लाह छेती आ जाएगी वो छेती आएगी इंशाल्लाह अपना फन फैलाएगी इंज मैं फैशन फैशन है फैशन छोटे वड्डियां नु मार दे ने ए फैशन है तो अबू जी से मिलके जी अब हम जा रहे हैं घर और कल इंशाल्लाह अबू जी भी घर चले जाएंगे ते देखो फिर असि कदों जाने हैं चलो आज आज
तो चलें जी, अब चलें। अब्दुल्ला ने जाना है बाहर कहीं, तो आज पाकिस्तान में नेट सारा बंद सी, तो हम क्रीम नहीं मंगवा सके। तो अब इनके चाचू आए हैं फिर हमें पिक करने के लिए। हरी अपना चलो जनाब, अजाने हो गई हैं मगरिब की। हम आ चुके हैं जी घर। जल्दी करो फिर है ना। तो बस ये अब हम जा रहे हैं बच्चों को लेके बाहर डिनर पे। जाना तो आज हम सब ने इकट्ठे थे बाहर, अब्बू जी ने, रोमा ने और हम सब इधर से। तो बस अब्बू जी की फिर तबीयत नहीं से ठीक, काफ़ी रात को भी ख़राब रही तबीयत, तो जागते रहे हैं। रोमा भी जागती रही है, साथ उसका बेटा भी, वो सब थके हुए थे। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं कि नहीं कि मुश्किल हो जाएगा, नाले अब्बू जी की तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने फिर मैं क्या कि रेस्ट कर आराम कर। तो बस प्लान तो साढ़ा किधर और जाना से उन्होंने, पर अब हम इधर ही घर के पास ही जाएंगे, चाइनीज़ जहाँ हम अक्सर जाते होते हैं, क्योंकि वो प्लान ही चेंज हो गया सारा। तो बस अभी थोड़ी देर हुई है हम घर आए हैं, तो अब दुल्ला के चाचू उसको लेके गए हुए हैं इंडोर प्ले एरिया, तो वो आएंगे तो फिर अस जाएंगे इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं डिनर के लिए, तो फिर आए मैं डिगन लगे ना, चक्कर आ रहे हैं चक्कर। तो दिखाते हैं आपको, दिखाना क्या उतरे जा रहे हैं चाइनीज़। दादो को पकड़ा दो क्या पानी, इसकी बोतल ऊपर आके रख देती हैं ना। तो यहाँ जी हम पहुँचे चाइनीज़ रेस्टोरेंट पर, इतने आके सानू पता चले कि उसने बुकिंग ही नहीं कराई और एक घंटे की वेट थी। बुल्ला को लगी हुई थी शदीद किस्म की भूख, तो इसके साथ ही था जी हार्डीज़। हम वहाँ पे गए, वहाँ से अब्दुल्ला को खिलाया और हमने कहा चलें यहाँ पे, हमारा ज़रा टाइम भी निकल जाएगा और फिर हम जाके खाना, हमने चाइनीज़ ही था आज। तो यहाँ पर जी हमारी बारी आ गई थी, टेबल हमें मिल गया और फिर हमने आके खाना ऑर्डर किया। और ये है अब हमारा फूड, गार्लिक चिकन था, बच्चों ने डम्पलिंग्स ऑर्डर किए, साथ में सूप था और साथ में चाइनीज़ राइस थे, साथ में क्या था बीफ चिल्ली भी था। बहुत मज़े का फूड था माशाल्लाह से, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। ए देखो तू ही निकल रहे जे, तो बस ये खाना खा के हम निकले, काफ़ी लेट ही हो गया था हमारे लिए। तो बस हम खैर से पहुँच गए फिर घर। अस्सलामुअलैकुम। चलो भाई उठ जाओ, सोने के लिए अपनी अपनी चीजें संभालो। क्या किसके लिए दिखाओ, क्या है ये? लाइबा के लिए, ये दादो ने कहा था उस दिन लाइबा के लिए ले लो। टीवी रूम के सोफे पे अब्दुल्ला, मिली है? ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से सीढ़ियां चढ़ के आना। चलो जी आ जाओ, शाबाश। ये लाइट भी बंद कर दो सीढ़ियों की। हरी अप हरी अप, ये लाइट बंद कर दो उधर से, ये वाला बटन प्रेस करो। चलो आ जाओ, ये मैं पंखा बाद में आके बंद करती हूँ, अभी मेरे हाथ में चीज़ें हैं, आप चलो। तो हम जी आ चुके हैं खाना खा के वापस, तो अब है यहाँ पे सोने का टाइम। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। और ये है जी फिर अगले दिन का व्लॉग। मैं सुबह उठ के नीचे आई तो अम्मी ने माशाल्लाह से खाना बना लिया हुआ था। अब्दुल्ला ने कल फरमाइश की थी दादो मैश पोटैटो बनाने हैं, साथ में जो है बीफ बनाना है, और ये अम्मी ने खाना बना दिया। और उनकी थी फिर डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट, मैं सुबह आई तो वो बता रही थी कि मेरे दांत का कुछ मसला हो गया, मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट पर और खाना मैंने बना दिया। और मैं भी रेडी होके आई थी क्योंकि मैंने अम्मी के साथ कहीं जाना था, पर फिर मैंने कहा चले यहाँ पहले डेंटिस्ट से हुआ है तो फिर हम जाएंगे। गर्मी कुछ ना कुछ, बस अप्रैल एंड होने वाला है, मई शुरू होने वाला है, यही कुछ होना है यही कुछ होना है ना। चलो जी इसको बारह बजे उठे हैं बच्चे और उठ के सीधा लंच
होगा गाड़ी में अभी, उस दिन तो डलवाया था। बच्चों की दादो जी गई हैं डेंटिस्ट पे, उनके दांत की फिलिंग निकल गई है, देखो पंखा चल रहा है सीधा मेरे सिर के ऊपर। तो यहाँ पे डाला जी मैंने अपना खाना, मैं भी बैठ के खाऊं। मैं देखो नेरा किया होता है क्योंकि गर्मी की वजह से ना लाइट नहीं ऑन कर रहे। बाहर देखें कितना सुकून नज़र आ रहा है, बिल्ली नहीं आ जाई, बच्चे बाहर बिल्ली को दूध डालने गए। ये देखें ये वाली बिल्ली है जिसको दूध डालते हैं, मानो ते मज़े से दूध पी रही है। वो देखो सो रहा है मज़े से। ये देखो इसका बेबी है वो वाला ब्लैक वाला, मानो हाँ उधर जाएगी। ये जी अम्मी के घर में बिल्लियाँ यहाँ पे तीन है चार हैं। बच्चों के चाचू के साथ ज़रा जा रही हूँ बाहर, कपड़ों के सिलसिले में जाके किसी को मिलना है स्टिचिंग के काम के लिए, बहरिया टाउन में है तो लगेगा यहाँ से डिफेंस, मुझे लगता है तकरीबन अगर रश हुआ तो घंटा तो लग जाएगा हमें। तो बस कोशिश मेरी यही है कि स्टिचिंग की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल हो प्रॉपर तरीके से। अभी तो एक टेलर है बस मेरे पास, तो मैं चाहती हूँ कि स्टिचिंग के जितने भी ऑर्डर आते हैं वो वापस ना जाएं। काफ़ी लोगों को मैं मतलब कि कह देती हूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है स्टिचिंग के लिए, क्योंकि टेलर एक के तो फिर बोलते कितना को असी बर्डन पा सकते हैं। तो दुआ करें कि आज इस काम के लिए जा रही हूँ वो हो जाए तो फिर आपको सिले सिलाए कपड़े मिले। तो यहाँ पे जी आए थे हम एक फैक्ट्री में विज़िट करने के लिए जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी हो रही थी कपड़े के ऊपर, बहुत अच्छा काम था इनका, मशीनें लगी हुई थी, इनका जो स्टिचिंग का यूनिट था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। खैर ऊपर ख़वातीन थी तो मुझे लगा कि मैं उनकी वीडियो ना बनाऊँ मतलब कि उनसे पूछे बगैर। तो जब हम लोग नीचे आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ की वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप ऊपर की भी बना लेती। तो मैंने कहा नहीं, वो मुझे थोड़ा मतलब कि हिचकिचाहट हुई पूछने में, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है आप मतलब कि जौन सी भी वीडियो आपने बनानी आप बनाएं। तो बहरहाल तब हम फिर ऊपर नहीं जा सके, सीढ़ियाँ थी और मैंने वैसे भी हील पहनी हुई थी, तो सीढ़ियाँ भी पता जिन्हें सुराख जो होंगे ने स्टील दिया तो मैंने लगे मैं कि थले ना डिग जावा। तो खैर अल्लाह पाक जो काम भी इंसान के लिए कुछ भी मतलब कि हम परेशान होते हैं कुछ भी मुश्किल आ जाए पर उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। ये जो मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई तो मैंने और दिन मुझे मिल गए, तो मैंने इस फैक्ट्री को भी विज़िट कर लिया जिनसे मेरी बात होगी स्टिचिंग के हवाले से। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टिचिंग है उनकी, वो हर कपड़े के नीचे लाइनिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग फिर घर पहुँच चुके थे, इतने ड्रामा चल रहा सी और मैंने ये कहना है कि मेरे पास अब स्टिचिंग का यूनिट भी अवेलेबल है अगर। तो यहाँ पे जी खाना शाना खा लिया, बच्चों ने आज खाना मंगवाया था बाहर से, ज़ैनब की तबीयत ख़राब हुई हुई है, इसका पेट ख़राब हुआ हुआ है। तो हमें जाना है कौन वास्ते है ना, बस अभी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। कौन खानी है लिबर्टी वाली पैराडाइज से, चलो चलेंगे अभी दादो के साथ फिर पाकिस्तान की मोचे। हमने कौन का जाके लेना है? हाँ जी कौन का जाके लेना है? क्या हमने कौन जाके लेना है? कौन लेने कौन खाने जानी है, कौन का जाके लेना नहीं है। ये हर चीज पे पुट्ठी उर्दू तेरी अब्दुल्ला की पुट्ठी उर्दू अब्दुल्ला पुट्ठी सीधी उर्दू वाला अब्दुल्ला। वो देखो That's not a plane. बैंक पास इतनी ज़्यादा लाइटें नहीं होते रोज़ रात। I know मुझे पता है। What is that? चलो भाई आ जाओ बैठो गाड़ी में, अब जाना नहीं है। That's not a plane. मुझे पता है वो प्लेन नहीं है। फिर क्या है? I know. तो जी अम्मी का बैठे बैठे एकदम से मूड बना के चलो चलते हैं लिबर्टी, चल के पैराडाइज दी आइसक्रीम खा के ये चंगी सानू कौन लगी है। बस बच्चे दोपहर को भी कहते हैं चलें, शाम होती है तब भी कहते हैं, आज तो अम्मी ने खुद कह दिया तो बच्चियाँ दियाँ तो हो गई मौजा। तो बस फिर उनके चाचू को साथ रेडी किया तो हमने कहा चले चलते हैं, 9:30 का टाइम सी, पर मैं कहती हूँ कोई दुनिया आती है यहाँ पे कौन खाने के लिए, बड़ा रश होता है और मज़े की बड़ी होती है। जो लाहौर वाले हैं जो यहाँ पे रहते हैं इधर गुलबर्ग के नज़दीक लिबर्टी के पास, वो तो ज़रूर जाते होंगे। और बताइएगा किस किस ने ये कौन खाई हुई है। बादल देखें कितने अच्छे, इधर से तो ऐसे लग रहा है ऐसे दिन है, कैमरे में ऐसे लग रहा है। कौन खा पी के जी हम पहुंच गए हैं घर, चलो कौन खा के मजे की थे पैराडाइज से जी, कौन खा के आए बड़ा मजा। ये ना लगा रहा वो खुद खुद तो इतने बसूरे देते हैं, इतने बसूरे थंबनेल देते ना खुद यूट्यूब, क्या क्या दिन का सौदा, दिन का सौदा रात की लस्सी।
अरे आपको दिखाओ मेरे को। अब आते ही ये क्या करने लगे अब्दुल्ला? चलो सोना नहीं है, चल के टाइम देखो, टाइम की हो गया उधर, टाइम देखो वहाँ पे 10:30 का टाइम है। और घर आके जी हम यहाँ पे बैठ के देख रहे थे बाजी का व्लॉग, ते सारे देख रहे सा असी, दिल उदास भी हो रहा था पर बड़ा मज़ा भी आ रहा था देखने का, ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम भी यहाँ पे शामिल हैं। लबो ये मैं भी हाँ किधरे ये देखो। चलो अब्दुल्ला आप भी ऊपर देखो, अब्दुल्ला को देखो कैसे हैं, चार्जर लगा के ऊपर तो कितना ज़रूरी काम हो रहा है। नहीं नहीं अब्दुल्ला का पानी मैं लेके गई सा, ये मैं लेके गई हुई थी। चलो अनम उठो आप भी, सारे ना सारे ऊपर चले जाते हैं, अनम कली लेटी रहे सोफे पे। चलो ये लाइट्स ऑफ करके आ जाओ ऊपर, चार्जर लेके आना अब्दुल्ला, चार्जर लेके आना। दादों की बात सुनो ना, ऊपर चलो मैं आ रही हूँ। ओके रहने दो, याद है? हाँ मुझे याद है, मैंने वो फोन पे ये वाला। ओके मेरा दूसरा आईफोन लेके चलो ऊपर। मैं जा रही हूँ ऊपर, आ जाओ। सारियां लाइटा ऑन कर दो, बिल अम्मा ने देने आपके लिए। कितनी अच्छी लाइट्स, वो देखो सारी अब्दुल्ला ऊपर से ऑन कर रहे हैं सारी लाइट्स। आपको पता है मैं कल यहाँ से गिरने लगी थी अब्दुल्ला, मामा यहाँ से गिरने लगी थी, ये वाली भी ऑन करनी थी सारी लाइट्स, सारी लाइट्स ऑन कर दी अब्दुल्ला ने। चलो जैनब और अनम आती हैं फिर आके ये लाइट्स बंद कर देंगे। 11 बज गए हैं, 11 बजे आए हैं आज हम लोग ऊपर। अब इधर बैठना है टीवी रूम में, इधर बैठना ऊपर वाले में, इधर बैठने लगे हो अब्दुल्ला तो जी, इधर बैठ गए। चार्जर का इधर पॉइंट लगा हुआ है कहीं, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है इधर, हाँ वो तो दूर है, वो उधर भी कुछ लगा हुआ था। चलो भाई रूम में नहीं, आज भी नहाना कल नहाना, ठहर जो मैं देखूं आपकी बहन है। अच्छा अनम, अनम फातिमा जल्दी आओ ऊपर, मैंने लाइट्स बंद करनी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोटी थी वो। चलो अनम चलेगी, चलो आप भी, पता नहीं देखेंगे। नीचे उतार गई है, आहो चलो मेरे वाली फिर पा लेगी। अल्लाह हाफिज। तो ये था जी हमारा आज के दिन का व्लॉग, आपने देखा कि अबू जी से भी मिलने गए, फिर बहरिया टाउन गए जो कि हमें 48 मिनट्स जाने में लगे, 48 मिनट्स हमें आने में लगे, तो गर्मी भी सी उस टाइम तक, सुबह बारिश हुई लेकिन दोपहर को बड़ी गर्मी और हबस हो गई थी। तो बस जी इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी और दुआ कीजिए कि कुछ मेरी फ्लाइट दा बन जाए, नहीं तो इतने तैयार श्यार होकर जूम तो मेहंदी करा तनखा भी। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।